आपकी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजनी, आज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी कोडरमा जिला में प्रशासन के आंखों में धूल झोंककर लगातार पत्थर खदान से पत्थर का उत्खनन हो रहा है। संचालित क्रेशर सुरक्षा मानकों को अनदेखी करते हुए पत्थर निकालने के कार्य से लगातार मजदूरों की हो रही है मौत। नवल शाही थाना क्षेत्र के चमारो स्थित पत्थर खदान में हुई दुर्घटना में एक मजदूर की हुई दर्दनाक मौत और दूसरे की स्थिति गंभीर के कारण कोडरमा सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार घटना बुधवार सुबह करीब 10 बजे की बताई जाती है। वहीं घटना के पश्चात ग्रामीणों द्वारा सूचना मिलने पर डोम चांच अंचल निरीक्षक राम नारायण ठाकुर, नवल शाही थाना प्रभारी अकबाल हुसैन, एएसआई आशीष हांसदा, राजेश राम, अमित कुमार समेत अन्य कई पुलिस जवान दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे, जहां चाल धंसने के कारण पत्थर से दबे दो युवकों को खदान के अंदर करीब 300 फीट नीचे पहुंचकर पुलिस जवानों के सहयोग से निकाला गया। वहीं इस दौरान एक युवक मृत अवस्था में और दूसरा जिंदा था, परंतु बुरी तरह से घायल हो चुका था। वहीं मृतक की पहचान नरेश सिंह 28 वर्ष, पिता कैलाश सिंह ग्राम बच्चे डी थाना नवल शाही जिला कोडरमा और घायल व्यक्ति की पहचान बच्चू सिंह उम्र 30 वर्ष, पिता स्वर्गीय बद्री सिंह ग्राम बच्चे डी के रूप में की गई। वहीं पुलिस प्रशासन ने मृतक के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए कोडरमा सदर अस्पताल भेज दिया। घायल व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस के सहारे इलाज के लिए सदर अस्पताल कोडरमा ले जाया गया, जहां इसकी भी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि इस पत्थर माइंस पर लगे बोर्ड में संवेदक का नाम गणेश इंडस्ट्रीज, मौजा जमड़िया, रकबा 4 एकड़ 50 डिसमल, रकबा 48 49 60 अंकित किया गया है। यह पत्थर खदान में न ही बेंचिंग और न ही फेंसिंग किया गया है और इसमें सुरक्षा मानकों के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है और इसकी गहराई लगभग 300 फीट से भी अधिक हो चुकी है, जिसके कारण आए दिन अक्सर मजदूरों की मौत होती रहती है। लेकिन हमेशा मजदूरों की मृत्यु होने पर मृतकों का कीमत 2-4 लाख लगाकर मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। आम लोगों को विश्वास है इस मामले में प्रशासन कार्रवाई करेगी और गरीब मजदूरों को इंसाफ मिलेगा। इंद्रदेव कुमार राम के साथ संदीप कुमार की रिपोर्ट। और उसके बाद ऊपर से पत्थर गिरा, करीब करीब 20 फीट के ऊपर से पत्थर गिरा, उसी के ऊपर गिरा माथे पर, और नरेश तो स्पॉट डेड कर गया। बाकी बात बच्चू को भी लगा तो वो ठीक है अभी, और उसको माथा में भी लगा था, पैर में भी लगा है, वो हॉस्पिटल में है सर। मृतक के कई बच्चे हैं? मृतक के एक बच्ची है, लड़की खाली। पता चला कि इनकी पत्नी भी प्रेग्नेंट है? हाँ हाँ सर है। पता कि नरेश सिंह है और बच्चू सिंह है, वो सब ड्रिल मशीन चमारो खदान में चला रहे थे और 10 बजे के सुबह उस घटना हुआ, पत्थर ऊपर से गिरने के बाद उसका माथे पर गिरा तो उसकी स्पॉट डेथ हो गया नरेश सिंह का, और पिता का नाम है कैलाश सिंह, और बच्चू सिंह है वो गंभीर रूप से घायल हो गया और उनको तत्काल में सदर अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया और उसको सदर अस्पताल में है तो अभी बताया जा रहा है कि वो ठीक है। लेकिन इसका घटना हम लोग के जब ग्रामीण में जानकारी पहुंची तो हम लोग सारे ग्रामीण लोग दौड़ के आए। हम लोग करीबन 3 से 4 किलोमीटर पड़ता है ग्राम हमारा बच्छेड़ी से खदान, हम पूरा ग्रामीण लोग आए तो देखे तो मृत पड़ा हुआ था, तो फिर इसको हम लोग उठा कर नीचे से थोड़ा दूर खदान के एक पेड़ है परास का, वहाँ पर रखे हैं और पूरा ग्रामीण लोग है सो मुआवजे का मांग कर रहा है और उधर बात हो रही है और पुलिस के द्वारा बोला जा रहा है कि इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए सदर अस्पताल, और ग्रामीण लोग मुआवजे का मांग कर रहा है लेकिन बात वहाँ नहीं बन पा रही है, जिसके कारण से उसका जो बॉडी है डेड बॉडी वो यहीं पर पड़ा हुआ है चमारो खदान के ऊपर में पड़ा हुआ, और ग्रामीण लोग सारे वहीं बैठे हुए हैं इकट्ठा। पुलिस प्रशासन से आपको सहयोग मिल रहा है? हाँ, पुलिस प्रशासन से सहयोग मिल रहा है। दान निर्माण का भरोसा लाल स्टील जीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील जीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का